Colombo bans Chinese ships for 1 year after India raised concerns. क्या ये इंडिया की विन-विन पोजीशन है और चाइना की शिकस्त है? भारत ने रूसी टैंकर को अपने बंदरगाह पर उतरने की इजाजत नहीं दी, वहीं रूस अपने तेल के लिए भारत से चीनी मुद्रा युआन में भुगतान की मांग करता रहा, लेकिन चीन के साथ रिश्तों को देखते हुए भारत युआन में पेमेंट करने में असहज रहा। चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है, जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ा है। इंडिया को किसी का प्रेशर लेने की क्या जरूरत है इस टाइम? दुनिया की चौथी बड़ी मैशियत है इस वक्त, इंडस्ट्री उनकी अप जा रही है, मीडिया उनका अप जा रहा है, इंडिया इस वक्त जो है ना उरूज की तरफ जा रहा है अपने, तो इंडिया किसी के प्रेशर में क्या आएगा? चाइना के प्रेसिडेंट ने पहली बार माना कि हमारी इकोनॉमी डूब रही है, और चाइना के प्रेसिडेंट अगर मान रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर है। जय हिंद दोस्तों, दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत ने हमेशा रूस का साथ दिया है और रूस के बुरे हालात में भी भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के टाइम पे सभी देशों ने रूस पर जो है वो काफी ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसमें वहां से ऑयल इम्पोर्ट करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी अमेरिका ने, लेकिन भारत ने रूस का साथ ना छोड़ते हुए अब रूस से जो है लगातार इम्पोर्ट करते रहे तेल को। और दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से रूस जो है वो भारत को तेल बेचने वाला था और भारत में जो है रूस के 3 जहाज आने वाले थे, लेकिन दोस्तों उन जहाजों के लेन देन के लिए रूस चाहता था कि चीनी मुद्रा युआन में जो है वो लेन देन हो, लेकिन भारत जो वो अपनी देश की करेंसी में जो है वो या फिर रूस की करेंसी में लेन देन करना चाहता है, क्योंकि वे चाइना को आगे नहीं आने देने चाहते, क्योंकि हमारी दोस्त के बीच चाइना जो है वो नहीं आना चाहिए। लेकिन भारत ने फिर तेल लेने से ही मना कर दिया और उनके कैंटर जो वापस हटा दिए। दोस्तों आज की हमारी पूरी वीडियो भी इसी टॉपिक पर होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों अपने किस तरीके वीडियो को तो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा आपको क्या लगता है कि इंडिया इस वक्त रशिया के ज्यादा क्लोज है या यूएसए के ज्यादा क्लोज है? बेसिकली वो दोनों को बैलेंस लेके चल रहा है। अच्छा। वो अपने एज ए पॉलिटिक्स हर किसी के साथ मेंटेन करके चल रहा है, ताकि इन फ्यूचर अगर उसे किसी की तरफ मूव होना पड़े तो इजीली वो जा सके। लेकिन आपको लगता है फ्यूचर में वो मूव होगा या ऐसे ही मेंटेन करके चलेगा? सब डिपेंड करता है आपके बेनिफिट पे, आपको बेनिफिट किस तरफ से आ रहा है, आपकी इकोनॉमी को किस तरफ से बेहतर प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा यूएसए ने ना काफी, यानी कि काफी मुल्क है जो कि अलाइज है उसके, उन्होंने काफी रखा हुआ है, अपना प्रेशर डालते हैं वो प्रॉपर पाकिस्तानी पे भी, इंडियन पे भी, कि आपने रशिया के साथ ट्रेड नहीं करना, लेकिन वहाँ से कच्चा तेल भी आता है और क्रूड ऑयल मिलता है हर चीज़। तो लेकिन इंडिया आपको लगता है कि वो यूएसए के प्रेशर में आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वो अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छा। वो खुद अपने पाँव पे स्टेबल हो रहे हैं, वो हमारी तरह थोड़ी है कि दूसरों पर डिपेंड करेंगे, हम तो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, इसलिए हमें फिर उनकी सुननी भी पड़ती है। अच्छा, तो वो अपनी यानी कि रशिया के साथ ट्रेडिंग वगैरह रखेगा? करेगा। पाकिस्तान चले इंडिया की बात होगी, पाकिस्तान यूएस के प्रेशर में आ जाता है? आ जाता है, क्योंकि बिकॉज हम हर मुआहिदा जो है उनके साथ करते हैं, हर चीज उनके ऊपर रिलाय करते हैं, तो जाहिर बात है उन्होंने हम पे प्रेशर देना ही है। वो भी तो अलाय है ना, वो भी अलाय है, हम भी जो रिलाय करने आया था, जो उनको टक्कर देने आया था, वो इस टाइम पावर में नहीं है। अच्छा, वो आपके सामने ही है और हर तरह की डील भी चल रही थी, हर बात भी हो रही थी, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉफिट सब कुछ डिस्ट्रॉय। अच्छा, हो गया। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, और क्या फर्क है इनकी फॉरेन पॉलिसी? दोनों की फॉरेन पॉलिसी आप दोनों आपके सामने है। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अगर जाते हैं तो एक अपना मोटिव लेके जाते हैं और उसको वो मना के भी आते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल भी है वो। यही तो बात है कि आपका कोई पर्पस होना चाहिए, हर चीज के पीछे पर्पस होता है, जिसकी वजह से आपको पर्पस भी तो होता है, आईएमएफ का कर्जा भी तो। यही तो बात है कि आप अपने पाँव पे स्टेबल होने के लिए नहीं जाते, आप जाते हैं तो आईएमएफ के लिए जाते हैं कि हमारी उनसे डील बन जाए। ये बात है, तो पाकिस्तान की ये फॉरेन पॉलिसी है, यही फॉरेन पॉलिसी, और क्या होता है, और किस लिए जाते हैं? अगर जाते हैं तो वीक के लिए जाते हैं, इसके अलावा तो और कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको नहीं लगता वापस हो जाएंगे? वो तो कर्जा है ना, वापस होता है, पिछले 70 सालों से वापस होता नजर तो नहीं आया। अच्छा, ये तो बहुत सैड बात कर दी आपने, आपके सामने ही है सब कुछ। अगर कोई गवर्नमेंट स्टेबल रहे तो फिर भी कुछ पॉसिबल है। अपनी फॉरेन पॉलिसीज किस तरह से सही कर सकते हैं? जो भी आए उसे टाइम दें, उसे कुछ करने दें। ये बड़ी, अगर इंडिया ने अगर आज इस मुकाम पे पहुंचा है तो उन्होंने अपने लीडर को टाइम दिया है, वो अगर बहुत टाइम दिया उन्होंने तो दिया, इसलिए तो वो इतना इतना हर ब्रांड उठ के उनके मुल्क में खुद उठ के जा रहा है, इसके पीछे उनकी फॉरेन पॉलिसी है। इन्फिनिक्स कहाँ का है?
ये जो आपने शर्ट पहनी हुई है हांगकांग चाइना का है चाइना हांगकांग चाइना है अच्छा तो चाइना का तो आ रहा है ना यहाँ पे चाइना चाइना के साथ तो अच्छे रिलेशन रखे हुए हैं जारी बात है चाइना को अपना प्रॉफिट नजर आ रहा है उनकी एक मार्केट बनी हुई है अच्छी हर लिहाज से एप्पल नहीं आ रहा है एप्पल स्टोर नहीं खुल रहा पाकिस्तान में यूएसए हाँ जी इंडिया में खुल गया वो इंडिया ने वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी है तो यहाँ पे भी एक एप्पल स्टोर पाकिस्तान में एक एप्पल स्टोर तो खुलना चाहिए ना ये हमारी ड्रीम ही रह जाएगी और पाकिस्तान में नहीं वो इन्वेस्टमेंट करेगी तो मर्सिडीज भी बनना शुरू हो गई है मर्सिडीज आ रहा है बात यही है कि उनका फॉरेन जो पॉलिसी है वो स्ट्रॉन्ग अफोर्ड भी नहीं कर सकते एक बात कह रहे हैं कि ब्रांड उधर बनना शुरू हो गया उनकी अपनी वो उधर इंडस्ट्रीज वगैरह खुल गई हैं अच्छा कोई दूसरा नहीं पहुंच पा रहे अभी तक अगर इधर कोई दूसरा ब्रांड आने की कोशिश करता है वो इधर की माफिया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उसे स्टेबल ही नहीं होने देती क्यों भाई मतलब क्या एक एप्पल आने में क्या मसला है हमारी इकोनॉमी डूब रही है और चाइना के प्रेसिडेंट अगर मान रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये कभी मानते नहीं है अपनी फेलियर अपनी इकोनॉमी डूब रही है वो पहली बार माना अब आते हैं बात शी जिनपिंग की इन्होंने एडमिट किया कि भाई दो चीजें हैं हमारे यहाँ पर जो बिजनेस है वो स्ट्रगल कर रहा है जॉब्स जो है वो लोगों को डिफिकल्टी आ रही है जॉब्स ढूंढने में ये उन्होंने न्यू ईयर के मौके के ऊपर उन्होंने ये स्पीच में दो चीजें एडमिट करी ये बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है चाइना के लिए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी गलत हो सही हो कभी एडमिट किया ही नहीं जाता सही भी एडमिट नहीं करते गलत को तो भूल ही जाओ अब ये चीज है उन्होंने साथ में एक चीज और बोली कि यस ये जो दो चीजें हैं बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं और जॉब्स जो हैं वो ढूंढनी लोगों को मुश्किल हो रही हैं ये मेरे दिमाग के बिल्कुल फ्रंट में ये इमेज है आप चिंता नहीं करो कि आपके प्रेसिडेंट को ये चीजें को पता ही नहीं है आई नो कि दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड आई एम वर्किंग ऑन इट नाउ आप सोच के बताइए कि जब आपका जिसको हम एक तरह से प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो वी सी हिम एज अवर यू नो एक सेवियर की तरह होते हैं तो उसमें क्या हो गया कि जैसे ही शी जिनपिंग ने ये बात बोली है लोगों को पहली बार एक महसूस हुआ है एक साल के बाद क्योंकि एक साल से स्ट्रगल कर रहे थे लोग कि भाई हमें होप दिखती है अगर प्रेसिडेंट को भी मालूम है कि हमारे एज अ कॉमन पर्सन जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं लाइफ तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से भारत ने रूस के तीन जो है वो जो तेल लेके आ रहे थे जहाज उनको जो वापस कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि अगर आप जो है वो चीनी करेंसी में हमारे साथ व्यापार चाहते हैं तो हम कतई नहीं करेंगे क्योंकि चाइना हमेशा से अपनी दादागिरी करता है और दूसरे देशों के बीच आता है इस बार जो है वो रूस और भारत की दोस्ती के बीच चाइना आ रहा है क्योंकि चाइना किसी न किसी तरीके से भारत और रूस के बीच जो है वो गर्मा गर्मी करना चाहता है और इसी वजह से उन वहां पर जो है युआन की करेंसी में अपनी मुद्रा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि हम अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे या फिर जिससे हम आयात कर रहे हैं उनकी मुद्रा में और सीधे तौर पर उनके जो भी जहाज थे उनको वापस कर दिया है और ये देख के रूस को भी समझ आ गया है कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन और दोस्ती निभानी है तो भारत के साथ ही रहना पड़ेगा ना कि चीन की माननी पड़ेगी दोस्तों आज की हमारी वीडियो को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अमित तक के साथ तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।